सो हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। और गाइस, आप सबका स्वागत है यहाँ पे एक और नई वीडियो में। और गाइस, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए लेके अबे यार नीचे गिर जाता अभी तो, गाइस लेके आ चुका है एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का, आर्क प्राइमल फियर प्लस आर्क हिडन हल्का। और पिछले एपिसोड में ये देख रहे हो गाइस, ये देख रहे हो बारिश की आग, इसने मेरे को भाई वो कैसे वहां बैठ गया, अभी ये मेरे कंधे पे बैठा था ना, मैं भूल गया भाई, रुको भाई, ए भाई रुक जा बेटा, इधर आ भाई, तू इधर आ जा कुपचीवाड़ी में, यार मेरी जान भाई, जाओ मैंने देख लिया इसको, अबे आना भाई वापस मरने के बाद आएगा क्या, हाँ चलो निकल लो। तो गाइस, पिछले एपिसोड में इस थ्रोनी ड्रैगन ने तुम्हारे भाई को मारने का दुस्साहस करा था भाई, तो इसलिए जो ना गाइस आज इसको हम सजा देने वाले और किसी खतरनाक से डायनो को भी टेम करने की कोशिश करने वाले। और पिछले एपिसोड में हमने ये फायर पेगासस जो ना गाइस वो यहाँ पे टेम करने का काम करा था, तो आज का जो एपिसोड है वो शुरू। ओ भाई साहब, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ गाइस, लाइटनिंग वाला गोलेम, अगर इसको टेम कर डाला तो समझ लो लाइव झिंगा लाला गाइस, ठीक है इसको टेम करेगा मैं जरूर टेम करूंगा भाई इसको। तो गाइस आज का जो एपिसोड है ना गाइस, वो शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे फटाफट लाइक जरूर सब्सक्राइब कर दो गाइस, एंड इस वीडियो को 1K लाइक का मेम रख रहे तो फटाफट 1K लाइक जो ना गाइस वो कंप्लीट कर देना। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक, और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में गेमिंग विद एंडी और हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो उसको भी जरूर चेकआउट कर लेना। तो चले भाई लोग करते हैं आज का एपिसोड शुरू। एंड गाइस, हमको चाहिए बदला, ठीक है हमको चाहिए बदला, और मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए भाई, ठीक है मेरे को बस बदला चाहिए, मतलब चाहिए मैं इसको जो ना गाइस कुत्ते की मौत मार करूंगा, इसने मेरे को मारने का साहस करा था, दुस्साहस करा था, जो भी बोलते दुस्साहस ही बोलते हैं ना, पता नहीं भाई क्या बोलते। इसमें से पहले ये उठा लें तो मेरे को आना नहीं रे, उठा रहा हूँ कुछ भाई, अरे 5 डायनो डीएनए मिल गया, ये तेरे को टेम करने के लिए क्या चाहिए होगा, नॉकआउट टेम है क्या, इंस्टेंट बीट नहीं बना पाऊंगा ना मेरे बच्ची, इसको मैं नॉकआउट कर सकता हूँ लेकिन मैं इसको इंस्टेंट बीट जो ना कैसे बना नहीं पाऊंगा भाई, और अल्फा बेली भी ना बना पाऊंगा यार, तो कैसे टेम खोलू यार तेरे को, मैं एक काम कर लेता हूँ क्या मैं, अबे ये क्या है, अरे इसको नहीं निकालना था बेस क्या, इधर आ जो है ना गाइस, इसको मैं टेम करने की पूरी कोशिश करूंगा गाइस, ठीक है अरे यार वाह, मैं इसको टॉर्पर ही नहीं दे सकता इससे भाई, ठीक है छोड़ दो फिर छोड़ दो, आ जाओ चलो, हेलो सर हाउ आर यू, कितना टॉर्पर है, 300 के टॉर्पर है क्या सर, मात्र 300 के, एक मिनट रुक जाओ मेरे दिमाग में एक आइडिया, अरे आइडिया क्या बाहर में, हेलो भाई भूल गए क्या गाइस, रिवेंज हमको चाहिए, रिवेंज रिवेंज लो किस डायनो से, इससे या इससे भाई, इससे रिवेंज, रिवेंज गाइज रिवेंज, दिस इज रिवेंज टाइम गाइज, ठीक है जय भद्रकाली बेटा बेटा, मर बिर ना जाए कुछ भी करने का लेकिन मेरा ईगो हर्ट नहीं करने का बेटा, ठीक है अरे बेस क्या लग गया, लग रहा है भाई वो भाई लात भी नहीं मारा उसको, इसने पहले ही मार दिया, 60 लेवल का है गाइस। मेरे को अभी एक बात याद आई, बड़ी बुजुर्ग के गए कि ये बदले बिदले में क्या रखा है गाइस, ठीक है ये बदले की भावना जो है ना गाइस ये हम सबको डुबा के रख देती है भाई, ठीक है तो हम बड़े बुजुर्गों का मानना मतलब कहना मानते हैं और हम अभी ज़्यादा उंगली नहीं करेंगे गाइस, ठीक है आ जा बेटा आ जा, अरे किधर जा रहा है, मारने जा रहा है उसको, मार खाने जा रहा है, इधर आ भेज के, मैं मार खा के आ गया तू क्या बच जाएगा वहाँ पे भाई, वो डिमोनिक है भेज के आग पेल देगा उल्टा, चलो माफ कर दिया डिमोनिक, माफ कर दिया भाई मैं तेरे को माफी दे देता हूँ, चलो भले इसने 2 बार मारा है, जो पता है ना गाइस जो माफ करने वाला होता है वो सबसे ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए मैं बड़ा बन के इस डिमोनिक थ्रोनी ड्रैगन को माफ कर रहा हूँ, चलो छोड़ दो आ जाओ, अभी अपन प्लान ABCDEFG भाई इस्तेमाल करके जाके उसको भाई टेम कर लेते हैं भाई, ठीक है वो कौन है हमारा प्यारा प्यारा सा, इधर आ जा बेटा, पीटी किधर है भाई, पीटी निकाल दे, पीटी निकाल दे, हाँ ये बीडी से मैं उसको नॉकआउट कर पाऊंगा शायद भाई, ठीक है चलो आ जाओ लेट्स गो गाइस, अरे बदले बदले की भावना में कुछ नहीं रखा है गाइस, ठीक है ऐसे मेरी तरह जो है ना गाइस क्या बोलते हैं इसे माफ करने वाला बनो, उसको क्या बोलते हैं
जो भी बोलते हैं दयावान, जो भी बोलते हैं गाइज वो बन जाओ बस आप, ठीक है? बनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि उसको क्या बोलते हैं, ठीक है? छोड़ दो, आ जाओ। ओके जी, आया कैप्टन सर जी, बोला खाओगे? बोला। अरे आइसक्रीम खाओगे? अरे बोला खाओगे? अरे माँ क्या क्या भाई इसके, अरे हड्डी पसली एक कर डाली भाई इसने मेरी। अरे भेज के मैंने भाई अपना कुछ तो फेंका भी था वहाँ पे, अबे अपना अपना कुछ तो और फेंका था वहाँ पे भाई, मर भी गया क्या जो भी फेंका था भाई, इसको टॉर्पोरी ना चढ़ रहा। बोला बोला जय भद्रकाली, रुक जाओ, मारते रहे उसको, तेरे को बोला बोला से तो इसको कुछ भी ना हो रहा। एक काम कर, ए पीड़ी 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 पीड़ी, हाँ भाई ठीक है, छोड़ दो गाइस, छोड़ दो भाई, इसने भी तुम्हारे भाई को मारा, देख रहे हो? अभी तुम्हारा भाई इसको भी माफ कर देगा, देखो कितना ज्यादा यार दयालु हूँ मैं यार, छोड़ो। पर भाई भाई बच गया भाल पाल हो के, छोड़ो गाइस, ऐसे मेरी तरह बनो यार, देख रहे हो? सबको माफ कर देता हूँ मैं, जो भी हर एक कोई आता है मेरे को मार के चला जाता है भाई, उठाने दे भाई रिसोर्स, हाँ चलो गाइस, हर एक कोई आता है मेरे को मार के चला जाता है, देखो वापस मारा तो वापस उसको माफ कर दूंगा भाई, तो बदले बदले की भावना से कुछ नहीं होता। चलो आ जाओ, छोड़ो, आ जाओ, लेट्स गो, अपने अपने लायक कोई डायनो ढूंढ देगा, ठीक है? जिसको हम भाई बड़े आराम से टेम कर सके, क्योंकि अभी के लिए भाई ओ देखो ये देखो ये देख रहा हूँ ये देख रहा हूँ, क्या चाहिए? इंस्टेंट मिर्च चाहिए तेरे लिए, इंस्टेंट मिर्च चाहिए, पर मम्मी छोड़ के गई थी यार तेरा पप्पा रे, ठीक है भाई। इसकी आग इंडो बिंडो भाई आपस में लड़ रहे हैं, मैं मार देता हूँ कल्टी, बाप रे वहाँ पे तो भाई वर्ल्ड वॉर 3, 4, 5 पता नहीं कौन सा वाला चल रहा है भाई, बम चिकी चिकी बम बम ही फट रहे गाइस वहाँ पे। ओ भाई मैं नहीं जाना चाहूँगा वहाँ पे, अब मेरे को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है भाई उनमें, निकल लो गाइस यहाँ से। अरे मच्छर वहाँ को टेम करूँ क्या? अरे मच्छर वहाँ से अच्छा मैं इनको टेम कर लूँ ना, टॉक्सिक मेरे को झूम, अरे कॉम्बिकाजी डोडो सबका पप्पा, अरे पप्पा को टेम कैसे करेगा, पप्पा को बोला मार के टेम करूंगा गाइस मैं। गाइस देख रहा हूँ ये काम जो है ना गाइस, ये आप अकेले में बिल्कुल ना करना, ठीक है? वरना मारे जाओगे, मजाक नहीं कर रहा मैं, मारे जाओगे भेज क्या भेज क्या, मैं खुद ना मारा जाऊँ। अरे अरे यार नजदीक आके फटेगा तब भाई उसको लगे, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। हाँ वो नजदीक आके फटेगा ना तब वो बोला लगेगा, अबे हाथ में कुछ ही नहीं फेंक क्या रहा है भाई, क्या बावड़ा है क्या? रुक जाओ गाइस, मेरे पास जो ना गाइस लॉन्ग नेक बिंग नेक नहीं है, इसका रेंज है या मैं मजाक है भेज क्या, अभी तो लगना चाहिए। अरे भाई हेलो अनदर वन, अरे तुझे दंगड़ी क्यों हुई और ऊपर और ऊपर और ऊपर, ओ एक और, वंस मोर कभी कभी हो जाता है गाइज, कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोड़ दो गाइज, मेरे को नहीं टेम करना उसको भाई, डिमोनिक पैरासोरस के सामने मैं इस मच्छर को टेम करूंगा, आ जाओ अभी जो मिल रहा है उसी को टेम, ये मच्छर भी टेम करने का मेरा मूड नहीं कर रहा अभी भाई, ठीक है भाई? मच्छर विच्छर ऐसे छोटे डायनोस को मैं टेम नहीं करता, वो अलग बात है, उसका 2 मिलियन टॉर्पोर है। अरे बाप रे भाई यार यहाँ पे मेरे को समझ में ना आ रहा है ये सारी चीजें आ कहाँ से रही है भेज के आग। इग्वान डॉन को हमने जिंदगी में कभी टेम नहीं करा था, मैं इग्वान डॉन टेम करूंगा, मेरा बहुत ज्यादा जोर से मन कर रहा है इसको टेम करने का। फायर वाला इग्वान डॉन है भाई, नॉर्मल इग्वान डॉन नहीं गाइस, ठीक है? फायर वाला, फायर आग लगा दी वाला, ठीक है? रेडियो गाइज मुझे आग भी नहीं छोड़ता ना भेज के आग, चलो मुझे आग भी छोड़ने वाला निकल गया गाइज, रुक जाओ। आई शाबाश, कह रहे बड़ा हो गया क्या तू? इतना ज़्यादा टॉर्पोर अगर चढ़ेगा तो भेज क्या के अगले जन्म में तो टेम हो ही जाएगा। टॉर्पोर एक्टिविटी भाई, मेरा वाला टॉर्पोर भी डाल दिया भाई उसके ऊपर मैंने, ठीक है? मेरा वाला टॉर्पोर भी डाल दिया, बोला वाला टॉर्पोर भी है, सारे टॉर्पोर एक साथ काम करेंगे कच करके इसका भाई, यहाँ पे एकदम कच करके गए, ठीक है? कच करके टॉर्पोर बढ़ेगा गए, ठीक है भाई? इग्वान डॉन को तो मैं टेम करके रहूँगा भाई, आग निकल रही इसके अंदर से, मजाक कर रहे हो यार तुम? है आग निकल रही है, आग समझ रहे हो गाइस? समझ रहे हो क्या मारेगा मेरे को? पता है कौन हूँ मैं? तेरा अटैक लग ही नहीं रहा भाई इसके आग, ये पता नहीं इसका अटैक मेरे को लगा क्यों नहीं गाइस, लेकिन ये अभी बेहोश होने वाला है गाइस, ठीक है? अभी बेहोश होने वाला है गाइस, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। अरे बेहोश होने के बाद उसको एक पप्पी दे दी यार मैंने, ठीक है चलो कोई ना, अटक गया अभी इसके अंदर, अभी क्या कर लो भाई? थ्रोनी ड्रैगन है नीचे भाई, इससे पहले वो मेरे को देख ले, इसको टेम कर ले बेटा। क्या चाहिए तेरे को? एलिमेंटल बेरी, यार क्या ये बेरी भाई, एक एक बेरी खा के तुम, ये ले बेटा 40 बेरी है, ये ले खा ले बेटा, हो जा टेम। अरे गाइज फू भी गया, ए एक मिनट रुक जा, बेरी नीचे डाल दी क्या मैंने गलती से? नहीं मेरे पास ही है, इधर आ जा बेटा,
गाइस इस फायर इग्वानोडोन से मैं उस फायर थ्रोनी को मारूंगा भाई। बट नहीं नहीं गाइस बदला रहे तो भाई बदले के चक्कर में अभी अभी टेम करा हुआ डायनो ना मर जाए। आ जाओ गाइस इस इग्वानोडोन का सैडल भाई बनाता और मैं देखता बॉस है क्या ये टाइटन गॉड आ चुका था गाइस वहां पे भाई। छह गलती मार दी मैंने टाइटन गॉड को भाई। मारना भी भाई इतना ज्यादा इजी नहीं होने वाला क्योंकि ये बूस्टेड सर्वर नहीं है गाइस ठीक है। ऑलराइट ये वाला नहीं चाहिए बेटा इधर डॉन है बेटा। अरे यार डोंग नहीं डॉन हाँ इग्वान डॉन अल्फा पेट्रो डॉन। अरे बेस क्या इग्वान डॉन का सैडल नहीं है क्या नॉर्मल क्या नॉर्मल सैडल लगाओगे इसको इसके ऊपर इग्वाना डॉन वाई ठीक है। आ जा बेटा चल अल्फा अल्फा नहीं नॉर्मल एक काम कर भाई इन्वेंट्री में जो बन रहा है ना वही लगा डालता भाई। अल्फा नहीं इग्वान डॉन सैडल मेरे हिसाब से नॉर्मल वाले सैडल से इसका काम बन जाएगा क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक कोई अलग सा सैडल जो है ना गाइस वो यहाँ पे मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है ठीक है। चलो गाइस ये इग्वान डॉन को मैं टेम क्यों करा मेरे को पता नहीं गाइस क्योंकि आज हमको लेना था बदला बदला तो ले नहीं पाए। उसके बाद हमको टेम करना था वो भाई गोलेम गोलेम भी टेम कर नहीं पाए। उसके बाद हमको टेम करना था भाई वहाँ पे कोई डायनो कौन सा कामेकाजी डोडो वो भी हम टेम कर नहीं पाए। इसके बाद मैंने सोचा जो मिल रहा है वही टेम कर लेता हूँ छोड़ो भाई इतना ज़्यादा चूजी होने से कुछ भी नहीं मिलेगा। गाइस नॉर्मल सैडल लग गया गाइस इसके ऊपर लेकिन गाइस लुक वाइज देखो लूंडे का लुक देखो गाइस ये ना खतरनाक। इसके अंदर से जो ना गाइस आग निकल रही है आग बेस की आग बदले की आग है ये बदले की आग जो मिटेगी नहीं। और ये ऐसा भाई दो उंगलियों से पता नहीं गाइस इसकी दो नुकीली नुकीली भाई जो हाथ है ना गाइस उससे इसको उंगली करने का बहुत भाई है भाई चुल मची है देख रहे हो देखो उंगली करते रहता ये उंगली करने वाला डायनो भाई इसको उंगलीबाज नाम देंगे क्या बोलते हो गाइस। ये क्या करता अच्छा दो पैरों पर अच्छे ओ स्पाइनो की तरह दो और चार पैरों पर खड़ा होता गए सही है। ये क्या है पता नहीं क्या था लेकिन कुछ तो था इसका स्पेशल अटैक में भी भाई। तो क्या करेगा अभी तो फायर वाला तो है मेरे को बताया भाई इग्वान डॉन को मैं जिंदगी में चलाया नहीं गाइस कभी भी भाई ठीक है। आपको मजाक लग रहा होगा लेकिन सच में गाइस मैं इग्वान डॉन जो ना गाइस मेरे को बहुत टट्टी डायनोस लगते हैं लेकिन आज भाई मेरे को कोई मिल नहीं रहा था इसलिए भाई मैंने इसी को टेम कर लिया। लेकिन भाई इग्वान डॉन को मैंने कभी भी भाई चलाया नहीं टेम करके गाइस कभी भी नहीं क्योंकि आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार। एनी ने आई थिंक इसको एक दो बार भाई टेम करा था आर्क मोबाइल में ठीक है। रुक जाऊँ हम जो ना गाइस पहले इसका अटैक बिटैक जो है ना गाइस वो क्या क्या कर सकता है ना वो देख लेते हैं गाइस ठीक है। मेरे को तो उतना खास कुछ लग नहीं रहा है अरे इग्वान डॉन तो देख लेते चलो आ जाओ कितना डैमेज दे रहा है कितना डैमेज दे रहा है 24,000 का डैमेज आग लगाएगा क्या। अबे तो इसको भी मार डाला आग लगा डाली भाई पीढ़ी के भाई पीछे आग लगी है और पीढ़ी उड़ उड़ के जा रहा है वो देखो देख रहे हो पेड़ पौधे टूट टूट रहे हैं। मैं थोड़ी कोई बॉस हूँ भाई बॉस वाली फीलिंग क्यों आ रही है मेरे को। मैं भाई पेड़ के नज़दीक गया पेड़ डायरेक्टली टूट गया इतना खतरनाक हो गया मैं इतना डेंजर है क्या। और बाप रे भाई ऐसा तो प्राइमल वियर वाले बॉसेस के साथ होता है गाइस मतलब हाई हाई लेवल के एकदम क्योस ब्योस वाले बॉसेस के साथ ऐसा उनके भाई साइड में जाके खड़ा हो जाओ डायरेक्टली पेड़ भीड़ टूट जाएंगे गाइस। लेकिन अभी देखो ये इग्वान डॉन में इतनी ज़्यादा पावर है क्या इसके ऊपर ट्राई मारो क्या अरे मर भी गया तो दिक्कत हो जाएगी गाइस। डैमेज वैसे भी 30,000 का जा रहा है उसको मारने के लिए जाऊंगा उल्टा मर के आऊँगा रिंदो छोड़ो गाइस। वैसे भी बदले की आग जो ना गाइस वो हमने छोड़ दी है भाई ठीक है जो चीज़ हमसे हो नहीं रही है भाई वो छुपाने के लिए बदले की आग का नाम दिया जा रहा है क्या ही बोले भाई। लेकिन उसने बहुत गंदा मारा यार मेरे को और ये भी काफ़ी बढ़िया डायनो है ये जो ना गाइस किसी भी डायनो को यहाँ पे आग लगाने का काम कर सकता है और अभी तक मैक्स लेवल भी हुआ है जो कि काफ़ी अच्छी बात है और फिर भी इसका डैमेज ठीक ठाक ही इसके भाई गर्दन के और आग के ऊपर जो भाई डिज़ाइन बना हुआ है ना गाइस फायर वाला होने के कारण वो काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है मेरे को देख रहे हो गाइस। और इसके पूरी बॉडी के ऊपर ऐसे रेड 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 डॉट बने हुए हैं आई थिंक अगर मैं आइस वाला एक वॉन्ट टेम करूंगा ना तो उसके ऊपर ब्लू डॉट होंगे भाई काफ़ी बड़े। और ये देखो गाइस पत्थर अच्छा पत्थर तो भाई छोड़ के भाई हर एक चीज़ टूटेगी अरे टूट गया पत्थर भी पत्थर को टूटने में थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन पत्थर भी टूट गया ये देखो गाइस बेस क्या मजाक हो रहा है क्या गाइस ये देखो भाई भाई बॉस वाली फुल टू फीलिंग दे रहा है भाई। आ जाओ आ जाओ अभी अभी कौन उंगली करेगा मेरे से कौन उंगली करेगा ये उंगली करेगा क्या मेरे को भाई रुक जाओ यहाँ पे एक था ना वो कौन था वो ये ना यही था ना वो हाँ गोलेम भाई क्या इग्वान डॉन नाम तो सुना होगा ना सर मार खाने तुमको कार्नो की तो बैंड बजा के रख दूंगा रुक जाओ ले बेटा कार्नो कल 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 आ बेटा कल 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 लाड में आ रहा बेस क्या लाड में आ रहा है भाई खा जा इसको खा जा भाई उंगली बाज डायनो भाई इसको उंगली करने की जो है ना गाइस वेट अ मिनट भाई तो उसको उंगली कर दे रहे अरे साइड में हट जाना मेरे को इससे भाई थोड़ा सा रिसोर्स उठान दे भाई ठीक है भाई इंटरमेट टोकन मिल गए गाइस ये टोकन जो है ना गाइस काफ़ी काम आते हैं बॉस बीस बनाने के गाइस ठीक है। वेट अ मिनट डैमेज में पॉइंट डालने दो ठीक है एकदम खतरनाक और डेंजरस वाला बना डालूंगा यार इसको मैं
उसे मेरे को, ओ भाई ये दिख रहे हो, ये वाली काफी ज्यादा खतरनाक चीज है गाइस। मैं आपको ये वाली चीज दिखाता, पहले मेरे को देखना तो इसके इन्वेंटरी में क्या है। कुछ भी वेट अ मिनट, कुछ भी नहीं है ना गाइस। ठीक है चलो आ जाओ अभी जो ना गाइस, इसको मारूंगा मैं। इस गोलेम को मारना नहीं चाहता क्योंकि मैं इसको भाई टेम करना चाहता हूँ। ठीक है तो इसलिए जो ना गाइस इसको मैं जिंदा छोड़ देता हूँ, क्योंकि वो गोलेम मेरे को पता नहीं वापस कहाँ पे और कब मिलेगा। अभी जो ना गाइस आपको एक ओपी वाली चीज दिखाता हूँ। इग्वांटॉन को तो आपने देख लिया, अभी ये देखो ये स्पिरिट वाली पिकैक्स गाइस। ठीक है और इसका डैमेज भी जो ना गाइस काफी ज्यादा तगड़ा होता है गाइस। ठीक है देख रहा हूँ। अच्छा ये तो नहीं होगा ना, मुझे लगा स्पिरिट वाली तो स्पेशल पावर होगी। देखो गाइस देख रहा हूँ, एक सेकंड में कितना थैच एक फटके में गाइस। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये भाई असली पावर हमारे स्पिरिट वाले भाई खतरनाक से सुपर डुपर हथियार की गाइस। ठीक है एक फटके में इतना ज्यादा तैयार चीज ने इकट्ठा कराया ना गाइस, मैं क्या बोल सकता हूँ गाइस। ये इतना पावरफुल होता ही होता है गाइस। ठीक है इतना ही पावरफुल होता है, काफी ज्यादा ओपी है ना गाइस। और इसे भाई फ्लिंट भी इकट्ठा करने के लिए चले ना। ये देखो गाइस बताओ, गाइस बताओ, ये देखो भाई देख रहा हूँ, देख रहा हूँ एक फटके में कितना ज्यादा। बस मैंने एक फटका मारा है, अगर तीन चार फटके मारता ना तो यहाँ पे भाई बहुत सारा जो ना गाइस रिसोर्सेज इकट्ठा हो जाता। तो ये जो गाइस स्पिरिट वाला पिकैक्स मिला है ना गाइस, ये मेरे को काफी ज्यादा पसंद आ गया गाइस। ठीक है और इससे जो ना गाइस अभी भाई थोड़ा सा भाई हार्वेस्टिंग बिरवेस्टिंग और थोड़ा ग्राइंडिंग करना ना गाइस ईजी हो जाएगा। चलो अच्छी बात है, एक काम कर लेते गाइस फिलहाल के लिए, आज का जो एपिसोड है आर्क सर्वाइवल इवोल्व का, आर्क प्राइमल फियर प्लस आर्क इटर्नल का, यहीं पे खत्म करते हैं आज। जो ना गाइस आपने एक सीख तो ली होगी हमारे इस एपिसोड से, कि कभी भी बदले की भावना मन में नहीं रखना चाहिए, वरना आपकी पेटी बनती ही बनती है। अगर आपके पास पावरफुल डायनो है उसके बाद जाके उसकी ब्लड बजा के आओ, अगर आपके पास वीक डायनो है तो उसके सामने बिल्कुल मत जाओ। ठीक है तो फिर उससे दूर ही रहो। मेरे पास जैसे पावरफुल डायनो आएगा ना, उसको उसकी मैं असली हैसियत औकात में दिखाऊंगा। बेस क्या, रुक जाओ भाई, मेरे पास एकदम ओपी वाला डायनो आने दो बस भाई। ठीक है आइस रेक्स, ओ भाई ये देखो गाइस आइस वाला रेक जो कि नॉट टेमेबल होता है। ठीक है इसको हम सिर्फ इवॉल्व कर सकते हैं, खतरनाक लग रहा है ना गाइस। इसको भी टेम करेंगे, इसको भी टेम करेंगे, टेंशन नहीं लेने का गाइस। ठीक है तो चलो गाइस एक काम कर लेते हैं, आज का एपिसोड यहीं पे खत्म कर लेते हैं, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। जाते जाते गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और हमारे एक वन डाउन सर्जी के लिए एकदम अच्छे अच्छे वाले नाम नीचे कमेंट सेक्शन में डालना जरूर गाइस। ठीक है तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में। Late now, I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get